हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा यह गांव जिंदगी का एक खूबसूरत नजारा था। बाजार में हंसी की गूंज थी, बच्चे खेतों में तितलियों के पीछे भागते थे, लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक दूरी का एहसास भी था। पड़ोसी अक्सर अजनबी बने रहते थे। अमीना दया से भरे दिल वाली सबसे अलग थी। वो बीमारों की देखभाल करती और भूखों को खाना खिलाती। उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता। दूसरी तरफ रवि अपने आप में ही रहता था। उसे अकेलेपन में सुख मिलता था। उसकी दुनिया उसके छोटे से खेत और उसकी जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती थी। वो दूसरों से बहुत कम बात करता था। उसका मानना था कि खुशी की कुंजी आत्मनिर्रिलायंस है। उनके रास्ते कभी कभार ही मिलते थे। वे सूरज और चांद जितने अलग थे। गांव में जिंदगी चलती रही, खुशी और उदासीनता का मिश्रण। अमीना अपनी दयालुता करती रही, उम्मीद की एक चुप किरण। रवि अपने बनाए अलगाव में रहा। उन्हें नहीं पता था कि एक तूफान आने वाला है, एक तूफान जो उनके विश्वास को चुनौती देगा और उनकी किस्मत को बदल देगा। तूफान बिना चेतावनी के आया। एक पल आसमान साफ था, अगले ही पल काले बादलों का भयंकर नजारा था। हवा तेज चिल्ला रही थी, गांव को चीरती हुई। पीढ़ियों से खड़े पेड़ उगर गए, घर मलबे में बदल गए। कभी शांत नदी अपने किनारों से ऊपर बह रही थी, एक उग्र प्रलय में बदल गई। गांव वालों के दिल में डर बैठ गया। तूफान का कहर ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब तूफान आखिरकार शांत हुआ तो तबाही से ग्रस्त गांव पर सन्नाटा छा गया। हवा में गीली मिट्टी और विनाश की बदबू घुली हुई थी। गांव वाले अपने टूटे हुए घरों से बाहर निकले, उनके चेहरे पर हैरानी और निराशा थी। तूफान ने अपना निशान छोड़ दिया था। इसने न केवल उनके घरों और जीविका को तहस नहस कर दिया था, बल्कि उनके अस्तित्व की नाजुकता को भी उजागर कर दिया था। जो गांव कभी जिंदगी का प्रतीक था, वो अब एक रणभूमि जैसा दिखता था। मलबे के बीच लचीलापन की एक किरण झिलमिलाने लगी। गांव वाले अपने साझा नुकसान से एकजुट होकर एक दूसरे की ओर बढ़े। वे जानते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी फिर से बनानी होगी, एक एक ईंट जोड़कर। अमीना अपने पड़ोसियों की परेशानी देखकर काम पर लग गई। वह अपने क्षतिग्रस्त घर से जो भी खाना और सामान बचा सकती थी इकट्ठा कर लाई। उसकी छोटी सी रसोई गतिविधि का केंद्र बन गई। उसने चावल और दाल के बड़े बड़े बर्तन पकाए। मसालों की खुशबू हवा में फैल गई। निराशा के बीच एक छोटी सी राहत। वह गांव में घूमती रही। उसके कदम दृढ़ और दृढ़ थे। जरूरतमंदों को खाना और कंबल बांटती हुई। उसने रोती हुई माओं को दिलासा दिया और निराश पिताओं को उम्मीद दी। उसकी भावना तूफान से अडिग तबाह हुए गांव के लिए रोशनी की किरण बन गई। जैसे ही अमीना अपना अथक काम करती रही, उसे एहसास हुआ कि वह यह अकेले नहीं कर सकती। उसने रवि के बारे में सोचा। शायद यह समय था कि वह अपने आत्म लगाए अलगाव से मुक्त हो जाए। हो सकता है यह उसके लिए देने की खुशी का अनुभव करने का मौका था। डर और उम्मीद के मिश्रण के साथ अमीना रवि के मामूली घर पहुंच गई। वह जानती थी कि यह एक मुश्किल काम होगा, लेकिन वह कोशिश करने के लिए दृढ़ थी। गांव की किस्मत उसका मानना था सिर्फ घरों के पुनर्निर्माण पर ही नहीं, बल्कि रिश्तों के पुनर्निर्माण पर भी निर्भर थी।